Hello friends, happy Karwa Chauth. Wishing all of you a very, very happy Karwa Chauth. And today I am going to talk to you all about Karwa Chauth. Ki what exactly is Karwa Chauth? Why do we celebrate Karwa Chauth? There is a lot of buzz around Karwa Chauth. Kya hota kya hai? And we all the married ladies are very excited about this festival. कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे जो है करवा चौथ बिकेम सो बिग व्हाट इट इज नाउ, यू नो. थोड़ा बहुत जो है हमारी फिल्मों का भी उसके ऊपर कंट्रीब्यूशन है, बट व्हाट एग्जैक्टली इज करवा चौथ और क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे क्या कारण है, क्या स्टोरीज हैं. तो आज जो है टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस. लेट मी फर्स्ट पुट माई फोन ऑन साइलेंट बिकॉज फिर वो बीच बीच में यू नो आई गेट डिस्टर्ब वाइल टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू विच आई डोंट वॉन्ट टू. 1 minute. Yes, it is done. Okay, so देखिए करवा चौथ एक तो इस बारी 17 अक्टूबर को हो रहा है, दैट इज टुमोरो इज करवा चौथ. इसकी जो है ये किस तरह से मनाया जाता है, नॉर्थ में तो बहुत ही ज़्यादा इसका कस्टम करवा चौथ जो है मतलब 15 दिन पहले से इसकी तैयारियां जो है लोग शुरू कर देते हैं. टुडे ऑल्सो सिंस आई एम इन दिल्ली, सो टुडे ऑल्सो आई कैन सी कि हर स्ट्रीट में जो है मेहंदी वाले बैठे हुए हैं, मिठाइयों की दुकानें जो हैं वो बिल्कुल डेकोरेटेड है, वहाँ पे जो है करवा चौथ के बास्केट्स बन रहे हैं स्पेशली उन लेडीज़ के लिए जिनकी कई पहला करवा चौथ है. सो दे आर रियली वेरी एक्साइटेड कि भाई पहली बार जो है वी आर सेलिब्रेटिंग करवा चौथ. सो इट हैज़ टू बी रियली यू नो, बिल्कुल कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए. एनीवेज, सो करवा चौथ जो है की जो पूजा है वो शाम को जो है उसका जो मुहूर्त है, जो उसका टाइम है, करेक्ट टाइम पूजा करने का, दैट इज फ्रॉम 5:58, यस 5:58 PM, दैट इज रफली 6 PM से लेके 7 बजे तक. तो पूरा 1 घंटे का टाइम है जिसमें कि जो है आप करवा चौथ की जो है पूजा कर सकते हैं. उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, चांद जो है दिल्ली में चांद जो है वो 8 बजे के 15 मिनट पे निकलेगा. रफली जो है सब जगह पूरे इंडिया में 8 बजे से 8:30 बजे के बीच तक में जो है डिपेंडिंग थोड़ा थोड़ा 5-5, 7-7 मिनट की डिफरेंस से जो है चांद निकल जाता है. तो चांद देख के जो है इसकी ये व्रत को तोड़ा जाता है और फिर जो है आप दिन भर से जो भूखे प्यासे होते हैं वो आप कुछ खा के जो है इस व्रत को तोड़ सकते हैं. तो कैसे शुरुआत करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं जो कि हमें चाहिए होती है इस पूजा के लिए या व्रत के लिए, और कैसे इसको एग्जैक्टली किया जाता है. देखिए शुरुआत जो है सुबह सुबह जो है बिफोर द सन राइजेस उससे होती है कि सनराइज होने से पहले. जनरली जो कस्टम है वो ये है कि जो मदर इन लॉज हैं वो जो है डॉटर इन लॉ के लिए जो है अपनी बहू के लिए खाना के लिए कुछ बनाती हैं जनरली, क्योंकि पूरे दिन भूखा रहना होता है तो पूरा ही खाना बनता है. अब ये हर अलग अलग घर का अलग अलग कस्टम है, अलग अलग ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से चीज़ें की जाती हैं. तो जनरली जो है पूरा खाना बनाया जाता है जिसमें रोटी दाल सब्जी सब कुछ होती है, मिठाई होती है, नारियल होता है. नारियल को हम बहुत ही ऑस्पिशियस मानते हैं, कहीं पे भी कोई भी किसी भी तरह की पूजा होती है तो वहाँ नारियल जरूर ऑफर किया जाता है. तो जी नारियल जरूर होता है, आप जो आप खाते हैं उसके अंदर कोई ना कोई फ्रूट जरूर होता है, थोड़ी सी मिठाई होती है, और आप थोड़ा सा कोई भी लिक्विड या कोई भी फ्लूइड जो है आप सुबह ले सकते हैं. तो ये सब जो है आपको सुबह सनराइज से पहले करना होता है. इसको जो है नॉर्थ में और स्पेशली क्योंकि करवा चौथ इज मोर वाइडली सेलिब्रेटेड इन नॉर्थ एंड इज एसोसिएटेड एज अ पंजाबी फेस्टिवल, जो कि आई डोंट थिंक सो इट इज जस्ट लिमिटेड टू पंजाब और पंजाबीज, बट देन इसका जो टर्म है जो ये सुबह जो रिचुअल किया जाता है इसको सर्गी कहा जाता है. तो जो है सुबह जो है सर्गी खाते हैं, तो उसमें जो ये सारा खाना जो है लेडीज़ जो है वो खाती हैं. और दिन भर जो है जो लेडीज़ होती हैं वो विदाउट एनी वाटर और विदाउट एनी फूड रहती हैं. और शाम को जो है शाम के टाइम पे जो पूजा से पहले जिसका मैंने आपको टाइम बताया कि शाम को 6 बजे से लेके 7 बजे तक का इसका मुहूर्त है. आई एम सॉरी, तो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का जो इसका मुहूर्त है, तो उससे पहले जो है लेडीज ड्रेसअप होती हैं. दे वेयर यू नो रियल ब्राइट कलर्स, एंड क्योंकि हम यहाँ पे करवा चौथ जो है सेलिब्रेट किया जाता है हस्बैंड की गुड हेल्थ के लिए, हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए. और इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अफेक्शन है, जो बॉन्डिंग है हस्बैंड वाइफ में, वो और बढ़े. तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं हस्बैंड की, हम बात कर रहे हैं शादी की, हम बात कर रहे हैं रोमांस की, तो रेड कलर तो आएगा ही आएगा. तो क्यों आएगा? क्योंकि रेड एंड पिंक आर द कलर्स फॉर रोमांस। तो जनरली जो है लेडीज स्पेशली जो मैंने कहा जिनका पहला करवा चौथ है या जो न्यूली मैरिड हैं, तो वो जो है शेड्स ऑफ रेड या शेड्स ऑफ पिंक या और बड़ी ब्राइट कलरफुल कपड़े जो है पहन के ड्रेसअप होती हैं। मेहंदी लगाने का बड़ा ही रिचुअल है, तो मेहंदी जो है एक दिन पहले ही लग जाती है, लेडीज अपने हाथों में लगा लेती हैं। तो इस दिन जो है मेहंदी लगा के अच्छे से ड्रेसअप होके लेडीज जो है एक जगह कलेक्ट होती हैं, कम से कम 10-12 लेडीज, उससे कम का अगर आपका ग्रुप है तो उससे कम का ग्रुप भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा होती हैं तो और अच्छा होता है। तो एक जगह सबके सब कलेक्ट होती हैं, एक थाली लेके जाती हैं जो कि पूजा की थाली होती है। अब उस थाली के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? थाली के अंदर जो है एक जल पानी होता है, एक लोटे में जो है आप साफ पानी रखें, क्या कहते हैं, कुछ नट्स रखते हैं जैसे बादाम हुए या किशमिश हुई या काजू हुए, और मिठाई रखी जाती है। इसके अंदर एक आटे का दिया बनाया जाता है, वो जो है पूजा के टाइम पे काम आता है। उसके अलावा जो है सुहाग की 2-3 चीज़ें अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, जैसे कि चूड़ियाँ हुई या बिंदी हुई। या जनरली ये कस्टम होता है इस दिन की मदर इन लॉ को जो है आप कुछ गिफ्ट करते हैं। पहले मदर इन लॉ आपको सुहाग की चीज़ें देती हैं जो कि जैसे चूड़ी हुई, बिंदी हुई, जो कि आप जब तैयार होती हैं तब आप पहनती हैं। एंड इन रिटर्न आप भी जो है अगर आप चाहते हैं, आपके यहाँ कस्टम है, तो आप अपने मदर इन लॉ के लिए कुछ गिफ्ट लाके उनको गिफ्ट करते हैं। तो वो जो गिफ्ट है वो भी आप जो है पूजा में इंक्लूड कर सकते हैं। कई जगहों पे ये ट्रेडिशन है कि उसकी भी पूजा की जाती है जो गिफ्ट होता है। सो एनीवेज, तो आपने पूजा की थाली पूरी तैयार की। फिर जो है आप जो का जो भी ग्रुप है जहाँ पे आप लोग कलेक्ट हो रहे हैं वहाँ पे आप कलेक्ट होते हैं। फिर जो है क्या कहते हैं, करवा चौथ की कथा होती है। तो जनरली कई जगहों पे पंडित, जो लेडी पंडित होती है, पंडितानी जिन्हें कहा जाता है, वो आती हैं, वो कथा सुनाती हैं और फिर जो है लेडीज जो है क्या कहते हैं पूजा करती हैं। अब कई जगह मैंने देखा है कि पंडितानी नहीं आ पाती हैं तो लेडीज आपस में ही कथा, या जो कोई एल्डरली लेडी होती हैं वो जो है इसकी कहानी सुनाती हैं कि करवा चौथ की क्या कहानी है, छोटी सी कथा है, वो सुनाई जाती है। और फिर जो है क्या कहते हैं लेडीज जो है जो थालियाँ होती हैं उसको पूरा घुमाती हैं, 7 राउंड होते हैं ऐसे। और फिर जो है क्या कहते हैं वो दुआ करती हैं, मन्नत मांगती हैं या प्रे करती कि उनके हस्बैंड की जो है लाइफ लंबी हो, उनका आपस में जो बॉन्ड है वो और स्ट्रांग हो, और क्या कहते हैं उनके हस्बैंड की लाइफ की, उनकी जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहे। अब जी ये होता है। उसके बाद फिर जो है बड़ी बेसब्री से इंतजार होता है चांद दिखने का। और जब चांद दिखता है तो जो है क्या कहते हैं चांद को पहले छलनी से देखा जाता है और फिर उससे जो है हस्बैंड को आप देखते हैं। जो जल जो आपने पूजा के टाइम पे लोटे में जल रखा था वो जल जो है चांद को ऑफर किया जाता है और ये प्रे किया जाता है, अगेन जो मैंने कहा बॉन्ड के लिए, आपके हस्बैंड की और आपकी लॉन्ग लाइफ के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए वो करते हैं। फिर जो मिट्टी का जो आटे का दिया मैंने आपको बताया था, वो आटे का दिया छलनी में लगाते हैं और उससे जो है क्या कहते हैं पहले चांद को देखते हैं, फिर हस्बैंड को देखते हैं। और जो पानी जो आपने जल चांद को ऑफर किया वो थोड़ा पानी रखते हैं और वो पानी पहले पीते हैं और फिर जो है फास्ट को तोड़ा जाता है। तो बहुत सिंपल तरीका है करने का। बट व्हाट आई लाइक अबाउट करवा चौथ इज द इंटेंट, इसके पीछे की जो फीलिंग है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, वो बड़ा ही प्यारा है, वो बड़ा ही अच्छा है। इसीलिए शायद ये फेस्टिवल जो है बहुत बड़ा बन गया है, इसीलिए इसका इतना एक्साइटमेंट है और इसीलिए लोग जो है लेडीज खास करके बहुत वेट करती हैं इस फेस्टिवल का। यहाँ तक कि देखिए मैंने पिछले 2-3 सालों से मैं देख रही हूँ स्पेशली कि जो लड़के हैं वो भी बड़े एक्साइटेड होते हैं और काफ़ी लोगों को मैं जानती हूँ जो मेल्स हैं वो भी अपनी वाइफ के साथ फास्ट रखते हैं फॉर देयर वेलबींग, विच इज़ रियली वेरी स्वीट, एंड देन दे ऑल्सो ब्रेक दिस फास्ट अलॉन्ग विद देयर वाइफ्स। सो ये शुरू कैसे हुआ, करवा चौथ आया कहाँ से, इज इट अ रिलीजियस फेस्टिवल? देखिए इसका कोई रिलीजियस एंगल तो है नहीं फेस्टिवल का। क्या होता था, शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि पहले टाइम पे जो है आदमी लोग जो है बाहर वॉर पे जाते थे या काम करने जाते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे या एक देश से दूसरे देश जाते थे और उनका कोई भरोसा नहीं होता था कि वो कब वापस आएंगे, कितना टाइम लगेगा। पीछे जो लेडीज होती थी दे वुड रियली मिस देयर हस्बैंड एंड दे वुड रियली यू नो वांट टू नो अबाउट देयर वेलबींग। उनको बहुत फिक्र होती थी कि हस्बैंड किस हाल में है, उनकी हेल्थ कैसी है, उनकी वेलबींग के लिए वो लोग प्रे करते थे। तो जो लेडीज़ होती थी पहले टाइम पे दे वुड कलेक्ट एट वन प्लेस एंड दे वुड यू नो सिंग सॉन्ग्स फॉर इन यू नो रिमेम्बरिंग देयर हस्बैंड्स, अबाउट लव, अबाउट रोमांस, एंड दे वुड ऑल्सो प्रे टू गॉड दैट यू नो उनके हस्बैंड्स जो हैं सेफ रहें, सही रहें और जल्दी से उनके पास वापस लौटें। सो ऐसे जो है ऐसे शुरू हुआ ये करवा चौथ का कस्टम। फिर धीरे धीरे लेडीज ने ये स्टार्ट कर दिया कि जी हम व्रत रखें तो मे बी यू नो आवर प्रेयर्स आर आंसर्ड बेटर, उससे जो है हमें शायद रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे, तो ऐसे जो है फास्ट रखना शुरू हो गया। एंड विद चेंजिंग टाइम्स, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदलता गया तो इस फेस्टिवल में भी, जैसे और फेस्टिवल्स में चेंजेस आए वैसे इस फेस्टिवल में भी चेंज आने शुरू हुए, और बदलते समय के साथ, टाइम के साथ काफी अच्छे अच्छे पॉजिटिव चेंजेस भी इस फेस्टिवल में हमें देखने को मिल रहे हैं। सो एनीवेज, एंड दिस फेस्टिवल इज बिकमिंग बिगर डे बाय डे। सो एनीवेज, सो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड करवा चौथ की, कैसे करवा चौथ शुरू हुआ। तो उसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस एज सच नहीं है। सो क्योंकि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि बहुत सी लेडीज मुझसे पूछती हैं जो कि जिनको कोई हेल्थ इश्यूज हैं या जो एक्सपेक्टेंट मदर्स हैं कि हम अगर फास्ट नहीं रख पाए या हम इतने रिजिडली बिना खाए पिए नहीं रह सकते, हमें कोई मेडिकल इशू है, तो क्या ऐसा होगा कि यू नो विल इट हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट और विल इट हैव अ एडवर्स इफेक्ट? ऐसा देखिए प्लीज बिल्कुल भी नहीं है। आपके इंटेंट अच्छे हैं, आपकी फीलिंग अच्छी है, आप इतना रिजिडली अगर फास्ट ना भी रखें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप फ्लेक्सिबल होके फास्ट रख सकते हैं। आप मे बी यू नो, जैसे इस करवा चौथ में ट्रेडिशनली तो पानी भी नहीं पिया जाता है, पर अगर आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है तो आप प्लीज पानी पिए, आप प्लीज लाइट खाना खा सकते हैं, आप फ्रूट्स पे रह सकते हैं। वॉट एवर इज कंफर्टेबल विथ योर बॉडी, प्लीज ट्राई एंड डू दैट, राइट? देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कि आपने बहुत रिजिड होके ही फास्ट को करना है। So this is how you know people keep the fast. So I hope आज मैंने जो है आपके काफी सारे क्वेरीज, आपके सारे काफी सारे क्वेश्चंस के जो है जवाब दिए होंगे। आई एम श्योर फिर भी आपके मन में काफी सारे क्वेरीज आ रहे होंगे। जो एक क्वेश्चन आता है जो कोई मुझसे भी पूछ भी रहे हैं कि जी कलर्स में जो है क्या कहते हैं, वाई यू नो रेड एंड ऑरेंज एंड वाई वी आर सो रिजिड अबाउट कलर्स। देखिए ऐसा अगेन, जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा, इसमें कोई रिजिडिटी वाली बात नहीं है। दिस इज अ सोशल कस्टम विच वी ऑल फॉलो हैप्पीली, एंड अगेन देयर इज नो रिजिडिटी also about the colors, you know, कि जी आपने जो है क्या कहते हैं you have to wear you know certain colors only. It is just that कि क्योंकि बात यहाँ पे प्यार की है, बात यहाँ पे बॉन्डिंग की है, अफेक्शन की है, तो हम जो है जनरली ये कलर्स जो हैं हम रेड और पिंक या ऑरेंज या मरून, इन कलर्स को जो है इनसे रिलेट करते हैं। ऑल्सो देखिए अभी नवरात्रे गए हैं, नवरात्रे में भी जो देवी दुर्गा है उन पे जो है लाल रंग चढ़ाया जाता है। रेड इज ऑल्सो द कलर ऑफ पावर एंड स्पेशली द फेमिनिन पावर, जो लेडी शक्ति, जो नारी शक्ति है, उसको भी हम लाल रंग से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि ये फेस्टिवल भी लेडीज का प्राइमरीली है, तो इसलिए जो है लाल रंग को जो है इससे ज्यादा एसोसिएट कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जी आपने रेड कलर के ही ड्रेस पहने हैं या जैसे मैंने कलर्स के वही करने। यू कैन रियली एक्सपेरिमेंट विद मोर कलर्स। पर देखिए कलर्स भी जो है प्लैनेट से एसोसिएट होते हैं, तो जैसे ब्लू कलर हुआ या आपका ब्लैक कलर हुआ या डार्क ब्राउन कलर हुआ, ये कलर्स जो है सैटर्न, शनि के रंग होते हैं, और शनि जो है वो प्लैनेट है डिटैचमेंट का। और यहाँ पर हम बात करें अफेक्शन की, रोमांस की, प्यार की, बॉन्डिंग की, तो इसके लिए जो है इसके कलर्स जो हैं वो, जो मैंने बताया ब्राइट रेड कलर्स हैं, तो वो जो है आप वो कलर्स पहनेंगे, सो इट विल बी बेटर। अदरवाइज वॉट एवर सूट्स यू, वॉट एवर यू फाइंड इज इंटरेस्टिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो कलर जो है आप वो पहन सकते हैं। सो ये तो बात हुई कलर्स की। मैंने आपको सर्गी बताई कि सुबह के टाइम पे जो क्या कहते हैं खाया जाता है उसको सर्गी कहा जाता है, खाना जो हम खाते हैं वो सर्गी कहते हैं। गिफ्ट्स भी जो है मदर इन लॉ को कई जगह ट्रेडिशन होता है। देखिए इंडिया, जैसा मैं पहले भी कहा है और मैं ये आप सब भी जानते हैं कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री। बहुत सारे कस्टम्स हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारी कास्ट हैं हमारे कंट्री में, बहुत सारी सब कास्ट हैं, और हर किसी के यहाँ अपनी अपनी बिलीफ भी हैं। और अब क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज, तो कई ट्रेडिशंस ऐसे हैं जो कि कहीं ख़त्म हो गए हैं, कहीं खो गए हैं, हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अब आजकल यू नो वुमेन आर, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर वर्किंग, या लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो है इसलिए फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। जैसे मैंने कहा अबाउट द रिजिडिटी ऑफ द फास्ट, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत भागदौड़ है, तो हम जो है शायद पूरे दिन भूखे नहीं रह सकते। तो अगर आप वो नहीं कर सकते तो प्लीज आप मत करिए। देखिए ये कस्टम्स क्यों बनाए गए थे, ये कस्टम्स इसलिए बनाए गए थे, या जो भी कोई भी हम फेस्टिवल बनाते हैं या हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसके पीछे जो मेन ऑब्जेक्टिव वो ये है कि आपस में जो फैमिली यूनिट है वो आपस में उनका एक दूसरे के साथ प्यार बना रहे, एक दूसरे पे ट्रस्ट बना रहे, जो कस्टम्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो आगे कैरी होते रहें, उसके लिए जी ये कस्टम्स जो है बनाए गए थे। इसलिए जो है इनमें कहीं पे भी इतनी रिजिडिटी की बात कहीं पे भी नहीं लिखी गई है। सो जस्ट रिलैक्स, एंजॉय द फेस्टिवल टू द फुलेस्ट, डू व्हाटएवर यू फील लाइक, वेयर व्हाटएवर यू फील लाइक, एंड मेहंदी लगाना तो आई एम श्योर ऑल वुमेन लव इट। यू नो मेहंदी लगाना, इवन आई पर्सनली रियली लाइक इट। मेरे को भी अभी मेहंदी लगवाने जाना है। सो यू नो ऑल वुमेन लव अप्लाइंग मेहंदी, सो प्लीज डू अप्लाई मेहंदी इफ यू लाइक इट and do whatever you feel like, dress up to your best, खुद को भी अच्छा लगता है। and I'm sure you know एक जो festivals होते हैं ना, एक positivity लेके आते हैं घर में, परिवार में। it is not just आप अगर fast रखते हैं तो it is not just that कि आपका festival है, पूरी family आपके साथ involve हो जाती है। so you know this is a way you can involve the entire family, this is the way you know the family comes closer to each other। जैसे कि मैंने बताया कि custom है कि जी जो mother-in-law है वो बहू के लिए खाना बनाती हैं, वो बहू के लिए देती है, बहू in return उनके लिए gift लेके आती हैं। so you know ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो एक दूसरे का you know it shows that how much you care for each other, it shows कि आपका प्यार आपस में ज़्यादा बना रहे और continue करें। so this is what is the reason and objective of celebrating Karwa Chauth. So I'm sure friends you must have got answers to most of your queries, and I hope and I really wish a very happy and a long married life to all of you. आप लोगों का प्यार बना रहे, आप लोगों के घर में सुख शांति रहे। कभी कभी झगड़े करने जरूरी भी होते हैं, but that's okay, that's a part of life. But wishing all of you a very happy Karwa Chauth and happy fasting. Till please take care of yourselves.